हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय त्रिपाठी। वेलकम टू DSH। फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं टैली हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होता है। देन आपको राइट साइड पे विंडो के कंपनी इन्फो रहता है, वहाँ पे आपको सेकंड नंबर ऑप्शन जो रहता है क्रिएट कंपनी, वहाँ पे जाना होता है। एक नई विंडो ओपन होती है जिसमें पहला नंबर रहता है आपका डायरेक्टरी का। डायरेक्टरी वो चीज़ होती है जहाँ पे आपकी कोई भी फाइल डेटा टैली की जो आप कंपनी बना रहे हैं वो सेव रहती है। तो फ्रेंड्स, अभी ये सी है, टैली है, फिर उसके अंदर डेटा नाम का कोई फोल्डर है, उसमें सारे आपके डेटा सेव रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं तो इसे आप लोकेशन इसका आप चेंज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो कंपनी रहेगी उसका जो जितना भी डेटा रहेगा कहीं एक अलग स्थान पर रहेगा, मीन्स अलग डायरेक्टरी पर रहेगा, अलग लोकेशन पर रहेगा, जिससे कि आप जब कभी भी सर्च करना चाहेंगे तो आप आसानी से अपना वो फोल्डर पा पाएंगे, अपने वो डेटा पा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ये जी ड्राइव पे DSS नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे एक कंपनी बनाते हैं। तो एक जल्दी से हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे देंगे और यहाँ पे चलिए हम दे देते हैं जी ड्राइव पे है एंड बैकस्लेस DSS नाम का फोल्डर है एंड यहाँ पे हम अपने कंपनी का नाम देते हैं डिजिटल सॉफ्ट हब एंड मैनिंग नेम इसका हम दे देते हैं DSH एड्रेस भोपाल एंड मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, बकाया चीज़ें आप भर सकते हैं, आसान है और हम बेसिक से बता रहे हैं कैसे आप कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है केवल आपको उसे फिल कर देना होता है। चलिए आगे आते जाते हैं और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आप चेंज कर सकते हैं ऊपर। चलिए हम सिक्योरिटी कंट्रोल देते हैं जिससे कि आपकी इस कंपनी में पासवर्ड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे अपना DSH डाल देते हैं, अपना यूजर नेम, पासवर्ड 123 एंड रिपीट 123 कर देते हैं, एंटर करते जाएंगे। यहाँ पे कुछ अपने बेस करेंसी सिंबल, जैसे इंडिया में है तो हम रुपी यहाँ चलता है, तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। जैसे एंटर करते जाएंगे देन अपने से यूज़र नेम पूछेगा एंड पासवर्ड आस्क करेगा, हम एंटर कर देंगे। तो आप देख सकें, आप देख पाएंगे कितनी आसानी से हमारी एक कंपनी क्रिएट हो गई है। तो गाइज, इतनी आसानी से हम कोई भी कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं जो हमने डायरेक्टरी चेंज किया था तो क्या वो डेटा जी ड्राइव पे है। तो इसके लिए हम जाएंगे जी ड्राइव पे एंड देन ये देखिए हमारी कंपनी का डेटा है। ओके गाइज, थैंक लॉट, फिर बाद में।